जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले पीटीआई के जो तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उन पर कातलाना हमला हुआ और ब्लेडों से मारा गया। तो उनकी कम्युनिटी से कुछ लोग हैं जिन्होंने मारा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग उनको पहचानते हैं? सबसे पहले तो आप बताएँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलाइका है। अच्छा, आप इस्लामाबाद में कब से हैं? मेरे को हो गए 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। तो आज जो हमला हुआ है रऊफ हसन साहब पे, जी, आपको उस पर अफसोस हुआ है या खुशी हुई है? अफसोस हुआ है, खुशी क्यों हुई है? आपके लोगों ने मारा है जैसे उधर? हमारे लोग नहीं, हमारा गेटअप करके एक लड़की आए, उस जगह में कोई आम इंसान भी नहीं आ सकता, ठीक है? हमारा गेटअप करके उनके साथ कोई मसला होगा, कोई होगी, हमारे क्या पता, इतने बड़े लोग है, उधर कोई आम बंदा तो नहीं आ सकता। हमारा रूप करके, कुड़ी के बाल लगा के, हमारे जैसे कपड़े पहन के हमला किया, हमारा नाम फील्ड का बदनाम हो रहा है, ठीक है? हमारे फील्ड का नाम बदनाम क्यों करना चाहते हैं? क्यों? अभी देखे ना, आपके लोगों ने पिछले दिनों पुलिस वालों को भी मारा, वो तो उनकी गलती थी। चलो, अच्छा, वो आप मानते? गलती की है, हम बुरा मानते। पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मर्द पे हाथ नहीं उठाना। क्या उठाना चाहिए? वो शीमेल, हमारी जो शीमेल थी उनकी अपनी गलती थी। अच्छा, उनको क्या काम था रात को 3 बजे 2 बजे जाएं खाना लेने? हाँ, कोई जाता सुनसान एरिया में, वो भी गांव का एरिया, तो पुलिस का क्या काम बनता है पूछना? मतलब मूर्त को उठा के अगवा करके जाते हो खुसरे को? नहीं, वो तो गलत किया उसमें। आईजी साहब ने एक्शन लिया और मुअत्तल भी किया पुलिस वाले। आईजी साहब बहुत ज्यादा अच्छे है, उन्होंने तो स्कूल भी बनाया, हमारे खासरा के लिए स्कूल बनाए और हमारे खासराओं को नौकरी दी पुलिस वाली। बिल्कुल, आजी साहब बहुत पंजाब के अच्छे हैं, हम तो उसके लिए दुआएं करते, बहुत ज्यादा सलूट करते हैं आजी साहब। ये देखिए, आजी साहब को सलूट कर रहे हैं उस्मान अनवर खान साहब को। हाँ। और बड़े अच्छे, वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ख्वाजा सराव के। लाहौर में जब हम जाते हैं तो अल्लाह बड़ा को खुश रखे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह उसकी लंबी जिंदगी करे, बहुत आजी साहब। अच्छा, जो आज हुआ है इस्लामाबाद में, हाँ, वीडियो आपने देखी होगी, 4 लोग थे, हाँ, ठीक है? उन्होंने पहले तो उनको मुक्को शुक्को से मारा, हाँ, फिर ब्लेड मारा, उसके 19 टांके लगे हैं मुंह पे। हाँ, देखा, तो देखे ना, आप लोग तो बड़े नाजुक दिल होते हैं। हाँ, हम ऐसे काम क्यों करेंगे? हमारे घर पे माँ बेटियाँ नहीं, बाप जैसे नहीं, हमारे बाप की उम्र का, तो हम ये काम करेंगे? हम डकैती चोरी तो नहीं करते, हम तो भी मांग लेते, जब फंक्शन करते इवेंट में पुलिस आ जाती है। हम जैसे काम करें, हम पहले बदनाम तो लें जो फिर और ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। हम अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम ये काम नहीं करते, ठीक है? जिसने भी किया हमारा गेटअप लेके और हमारे फील्ड का नाम बदनाम किया, और जिस जगह में उन्होंने किया उस जगह में कोई आम इंसान नहीं आ सकता। अब देखिए ना, पीटीआई के खिलाफ जो भी होता है, तो जो लोग हैं ना पीटीआई के कारकुनान, हमारे को बहुत अफसोस हुआ है, हम मानती हैं, हमारे को बहुत अफसोस। अब देखिए, अगर पीटीआई के कारकुनान को आप भी कहीं नजर आएंगे, वो आपसे भी नफरत करेंगे। पीटीआई के लोगों की बात नहीं, इंसानियत तो होती है ना, वो भी किसी बेटियों का बाप था, ठीक है? ऐसे तो ना किया जाए ना, किसने कोई साजिश की हो, किसने कोई ऐसा मीटिंग की हो, आम इंसान तो उधर आ ही नहीं सकता ब्लेड लगाना। आप लोगों को पीछे कौन पड़ा हुआ, कौन बदनाम करना चाहता है? चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा? साफ चेहरा दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, कहा यह जाता है कि आप लोगों को हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, इस वजह से आपका गेटअप लोग बना के तो ऐसे काम करते हैं। हमारे घर कोई हाथ लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? जैसे आप आम इंसान है, हम भी कहते हैं आपकी ना बड़ी पावर है, आप किसी हमारे पावर नहीं है, पावर तो ऊपर अल्लाह वाला बेटा जो उसके अंदर पावर है, हम क्या? नहीं, आप लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया? नहीं, हमने नहीं मारा, उन्होंने मारा था, गलतियों से मारे, कौन सा सारे खाजसर आए थे, हाँ ना, उस खाजसरों को हम जानते भी नहीं, उन्होंने गलती की, चप्पल मारी है, मूछ मर्द पुलिस वालों को जो हमारे बीच पे आते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनको मार रहे हैं, ये अच्छा काम किया है? सलवार उतार के रोड पे खड़े, ये अच्छा काम किया है? सारी दुनिया देख रही है कितना बुरा काम, घटिया काम किया है। मैं तो बोलती हूँ ऐसा काम जो खाजसर करे उसको सजा दे। अब देखने इमरान सी बहुत ज़्यादा ना, थोड़ी बहुत दे, थोड़ी सी सजा आपके नज़दीक क्या है? थोड़ी सजा ये हो गया, 5-6 दिन उसको थाने के अंदर रख दिया, खाना पीना थोड़ा कम दिया, उसको पता चल गया आए ये गलती मैंने नहीं करनी, मेरे बाप की। 5-6 दिन रखेंगे उसकी तो दाढ़ी निकल आएगी? दाढ़ी कहाँ से निकल आएगी? होता ना, मतलब मेकअप खुसरा होगा, दाढ़ी कहाँ से निकल आएगी? जो मर्द होगा उसकी दाढ़ी निकल आएगी, खुसरों की कहाँ दाढ़ी आती है? खुसरों की मम्मी इतने इतने बड़े होते, दाढ़ी कहाँ से निकल के आएगी? ये बात आपने बिल्कुल जेन्युइन की। और ये सब उनकी निकलती जो बने होते हैं, कुड़ी के बाल लगा के, लिपस्टिक लगा के, मेरे देखो असल बाल है, असल बाल, मेरा असली चेहरा है, कहाँ है दाढ़ी? अच्छा, जो जितने भी सियासतदान हैं, हाँ, इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन है? सबसे फेवरेट मरियम। अच्छा, मरियम नवाज आपकी फेवरेट है? उन्होंने मतलब आप लोगों के लिए अच्छा काम, वो आज अच्छा काम कर रही है, बहुत ज्यादा हर चीज सस्ती कर दी है, आधे रेट में लेके आई है, इससे बढ़कर क्या करें? लेकिन लोगों को तो इमरान खान बहुत पसंद है।
इमरान खान भी अच्छा है अपनी जगह में, वो बस बातें करता है, काम नहीं करता, ये काम करके दिखा रहे। जो इंसान मुंह से बातें करेगा, सारे लोग बैठे इधर बातें करते, वो काम नहीं करते, बस सिर्फ एक इशारा दिखा, ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर वो हो जाता है। लेकिन खान ने काम तो बहुत किया अपनी जिंदगी में। कौन सा काम किया है? 5 या 3 साल 4 साल में एक काम तो करके दिखाता, कौन सा काम किया है? बिल्कुल हाँ, ये देखें जी, बिल्कुल ये हमारे पास जेन्युइन जो है ना ख्वाजा साहब, बिल्कुल बैठे हैं। अभी हम और सबूत नहीं दे सकते, जाहिर है पब्लिक पॉइंट है, पब्लिक जगह। बिल्कुल, और लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो भाई को। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई बोल के आपने गलत कर दिया। क्यों भाई? नहीं, हमारे भाई हो सारे, ये भाई बैठे हैं सारे।